ले चलते हैं आपको कोरिया के कछोड़ की ओर, जहां खेरागढ़ उपचुनाव में केंद्र मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाया आक्रोश। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र मंत्री का फूका पुतला। खेरागढ़ उपचुनाव में केंद्र मंत्री भाजपा प्रहलाद पटेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार के 2500 रुपए देने को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ग्राम पंचायत कचौड़ में ब्लॉक अध्यक्ष राजेश साहू और विधायक गुलाब कमरों के आदेश अनुसार आज केंद्र मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया गया और साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मैं संत लाल, पद कौन सा? माननीय विधायक भरतपुर सोनहत जी का प्रतिनिधि हूँ। अभी आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, आखिर क्या कारण था कि यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम करना पड़ा? देखिए, आज जो पुतला दहन किया गया है, केंद्रीय मंत्री खैरागढ़ उपचुनाव में आए हुए थे, वहाँ पर उनका एक बयान आया कि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, किसानों को 25 रुपये समर्थन मूल्य दे रही है और 25 रुपये समर्थन मूल्य दे रही है, इस कारण छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा, जो बहुत ही निंदनीय है। इसका पूरा कांग्रेस परिवार घोर निंदा करती है और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। माननीय विधायक जी का मार्गदर्शन रहा, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री राजेश साहू जी का नेतृत्व और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई उपेंद्र जी का नेतृत्व। खैरागढ़ उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जो शोभनीय बात कही गई है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, कि छत्तीसगढ़ सरकार यदि 2500 रुपये धान खरीदती है तो छत्तीसगढ़ राज्य बर्बाद हो जाएगा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसान लगातार सुदृढ़ और मजबूत हो रहे हैं। यह हमारी संकल्प और हमारा ताकत है कि किसानों को सुदृढ़ करते जाएंगे और छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाएंगे। यह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के कुंठित मानसिकता को व मोदी सरकार के कुंठित नीति को दर्शाता है। यह काफ़ी अशोभनीय और निंदनीय है। मैं इनका कड़ी निंदा करता हूँ और कड़ा विरोध करता हूँ। लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? मोदी सरकार की दोहरी चरित्र और यह व्यापार नीति उद्योगपति नीतियों को दर्शाता है। किसानों को लगातार व गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को लगातार खून चूसने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। जिस तरह से गैस सिलेंडर व अन्य समस्त सामग्री जो 2014 के बाद 2 गुनी कीमतों पर आ ठहरी हैं, यह देश को कमजोर आर्थिक रूप से कर रही है और मोदी सरकार के दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। जहां पर भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार आर्थिक रूप से किसानों व मजदूरों को मजबूत कर रही है, वही मोदी सरकार लगातार किसान व गरीब लोगों को और भी गरीब बनाने की कोशिश कर रही है, अमीरों को और अमीर बनाती जा रही है। यह उनकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम नहीं किए गए तो इसके परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता आखिर क्या करेंगे? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार हम हर वस्तु की महंगाई पर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते जा रहे हैं, चाहे वह गलियों में हो, सड़कों में हो, नुक्कड़ों में हो। राहुल जी के आह्वान पर व सोनिया जी के नेतृत्व में हम लगातार महंगाई का विरोध कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे हैं। महिला कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और आमजनों को जो धरातल पर लोग हैं उनके सहयोग से हम उनको विरोध को बता रहे हैं। और जिस तरह से देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है इस महंगाई के दौर में, हम सब जूझ रहे हैं, उसका विरोध हम सड़कों पर, गलियों पर व आम सभाओं पर करते हैं, करते जा रहे हैं और 2024 में इसका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हम मोदी सरकार को इसी मेहनत पर और इसी महंगाई के विरोध में उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में इसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और मोदी सरकार की इस मानसिकता को हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। 2024 के पूर्व हमारा यह संकल्प है कि हम सब प्रत्येक व्यक्ति को महंगाई के इस मार से बचाने का प्रयत्न करेंगे।